ओवर की शुरुआत करने के लिए सौरभ घोषाल कर आ चुके हैं। पावर प्ले में बाउंड्री पे सिर्फ दो प्लेयर्स अलाउड है, एक है दीपक, दूसरे है देवेंद्र। स्ट्राइक पे सलीम मकांदा, नॉन स्ट्राइकर रोहन जायसवाल रोशन। बेहतरीन बॉल सौरभ द्वारा, बहुत ही अच्छी फील्डिंग बाड़ू द्वारा। बहुत ही अच्छा शॉट सलीम द्वारा, चौका, चौका मिला है गिफ्ट में, डायरेक्ट बॉल थी। एक और बेहतरीन शॉट, दूसरा चौका सलीम के बल्ले से। लगता है इस बार फिर से बेस्ट बैट्समैन लेके जाने के फिराक में है। बहुत ही अच्छी बॉल, एक रन चुरा लिया है स्ट्राइक पर रोशन, अपनी पहली बॉल फेस करते हुए इनिंग्स की। लास्ट बॉल है किस, सेकेंड लास्ट बॉल है, लास्ट बॉल ओवर की आखिरी गेंद। हेलो हेलो, बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट, चौका, तीन चौके आ चुके हैं ये ओवर में। बेहतरीन बल्लेबाजी। एक ओवर के समाप्ति पर सुरेश कितने रन? एक ओवर 13 रन। सलीम को देख के रोशन भी रंग बदलते हुए दिख रहे हैं। एक ओवर के समाप्ति पर 13 रन। अगले बॉलर मिस्टर दीपक। चक दे इंडिया के कैप्टन सलीम। वरुण भाई स्ट्रेटेजी बना रहे कुछ, तो मन ही मन में हंस रहे मुस्कुरा रहे। गुरुजी, हमारे गुरुजी खाने का लाभ उठाते हुए। बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छी गेंद डाल रहे हैं दीपक द्वारा। दो बॉल डॉट सलीम को करना मुश्किल है, जो खाली मैं ही कर चुका हूं अभी तक। तीसरी बॉल भी डॉट, अच्छी फील्डिंग बाड़ू द्वारा, चीरी बंद कर दिए। बॉल के बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं बोलिए गोशपाक। नो बॉल पे एक रन, गोशु होते तो ये लीव कर देते, यही डिफरेंस है बड़े और छोटे में। बहुत ही अच्छी फील्डिंग दीपक द्वारा। ये मैच बड़े मियां और छोटे मियां का भी है। ये मैच बड़े मियां वैसे छोटे मियां, कुंवारे मियां, शादीशुदा मियां के बीच में भी चल रहा है ये मैच। कुंवारे मियां लेकिन अब ज्यादा टाइम तक कुंवारे नहीं रहने वाले हैं। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही सेफ ओवर निकाला है दीपक ने, बहुत ही सेफ ओवर। कितना रन आया? 17 रन, टोटल 17 रन हो चुके हैं। कुंवारे मियां ने शपथ ली है ये सिर्फ और सिर्फ कर ही शादी करेंगे, नहीं तो शादी। चार रन आए अभी तक इस ओवर में से।
पांच रन की ओवर डालना सलीम और रोशन के सामने अपने आप में ही एक अलग टैलेंट है। दो ओवर 18 रन। नमोज भाई का आज मूड ही नहीं लग रहा फील्डिंग। शिव शक्ति के रावलपिंडी एक्सप्रेस बाला राणे गेंद लेके हाजिर। पहले ही मैच में अपना बैट तोड़ चुके थे। बहुत ही धुआंधार बल्लेबाज गेंदबाज भी खतरनाक है, आग उगलते हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा हमारे फुटबॉल के मैनेजर वरुण भाई फील्ड पे क्या कर रहे हैं। ओनर वर्सेस ओनर, सलीम वर्सेस बाड़ा, देखते हैं कौन जीतता है। अच्छी फील्डिंग आदि द्वारा, बेहतरीन स्टॉप, एक अच्छा शॉट भी कनेक्ट किया था सलीम ने। बेहतरीन फुटबॉल का नजारा। और ये अच्छी फील्डिंग प्रणव द्वारा। छोटा तिवारी कमाल कर रहा है, गुरुजी खाने का लाभ उठा रहे हैं। बेहतरीन, दो रन बचाकर दो रन दे दिए। अच्छा एक रन, पैरों पे सीधे गेंद थी। मुझे लग रहा है पैर सुझाने के बारे में सोच रहे हैं। बेहतरीन, दो रन आ चुका है। बॉलर का मिसफील्ड, बॉलर का मॉरल ऐसे ही डाउन हो जाता है जब हर बॉल कनेक्ट होती है फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट। अच्छा शॉट, बेहतरीन सिंगल। बाड़ा के छह गेंदों पे सिंगल निकल के सलीम ने अपना विकेट बचा लिया है। रन 24 रन, 24 रन तीन ओवर के समाप्ति पर। तीन ओवर, बॉलिंग के लिए आ चुके हैं देवेंद्र सावंत, एक्स बेस्ट बॉलर। फील्डिंग में चेंज, व्हाइट बॉल का इशारा, अच्छी लीव रोशन द्वारा। पहुंच सकते थे पर पहले ही उम्मीद छोड़ दिए। सलीम स्ट्राइक पर तो आ गए हैं, ये उनके टीम को बेनिफिट है, उसके लिए भले ही रोशन की कुर्बानी देनी पड़ी। अब नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे आ गए हैं विनय पुरी, सलीम वर्सेस बाड़ू, फ्रेंड वर्सेस फ्रेंड। अच्छा शॉट, फिर एक ही रन मिलेगा। और ये दो रन, बहुत ही अच्छी फील्डिंग नमोज द्वारा। सीनियर प्लेयर नमोज गायकवाड़, व्हाट अ फील्डिंग, व्हाट अ फील्डिंग, व्हाट अ फील्डिंग। हमारे एसएसएफएल के ओनर भी है, दिल पे ले लिया लास्ट टाइम का कमेंट। और ये बहुत ही अच्छा बॉल, बेहतरीन, पूरी तरह मिस कर दिए सलीम, उन्हें लगा वाइड है। अरे गोशू, ग्राउंड के अंदर गाली गलौज ना की जाए।
और ये गेला चौका, डायरेक्ट चौका गेला हो गया है। सुल्तान ने अगर ये कीपिंग की होती तो ये चौका नहीं लगता। गोशु का कीपिंग करके कुछ मतलब नहीं हुआ। अब स्ट्राइक 33 अच्छा स्कोर है, अच्छा स्कोर है। ये ओवर में 10 रन भी आते हैं तो 43 का स्कोर एक बड़ा टारगेट हो सकता है। लेकिन टीम को याद रखना चाहिए सामने वाले टीम में बाड़ा राणे है, द हिट मैन। और ये पहले ही बॉल पे बोल्ड। इस बॉल में ज्यादा गति नहीं थी लेकिन ब्लॉक मारा है, ब्लॉक। विनय पुरी को पहले ही सलाह दी गई थी गेंद जड़ों में आएगी और जड़ में घुस गई। जो गुड्डू भाई मारने का प्रयास करते रहते हैं ब्लॉक, वो बॉल बाड़ा ने मारी है। बाड़ा की गेंद, नेक्स्ट बैट्समैन समाधान आ चुके हैं समाधान स्ट्राइक पर। व्हाइट बॉल, बेहतरीन लीव समाधान द्वारा। व्हाइट बॉल का इशारा। आते ही दो व्हाइट। और ये बोल्ड हो गए, डिफेंस के चक्कर में बोल्ड हो गए। समझ नहीं आ रही गेंद कहां से जा रही है। हर्षल आप कुछ बोलना चाहेंगे? बाड़ा आज आग उगल रहे, आज कपिल देव की पारी खेल रहे बाड़ा यहां पे। इंडियन बैट्समैन तो समझ नहीं पा रहे, अभी कैरिबियन आए हुए, देखते क्या कमाल करते हैं। गेम बड़ी तेजी से करवट ले रहा है, जैसे सिंघम का 3 ओवर में 26 था लेकिन बाद में धराशायी हो गए। लेकिन वही चल रहा है यहाँ पर भी, कुछ ऐसा ही नजारा, 33 का स्कोर लेकिन बल्लेबाज आउट होते जा रहे हैं। एक और दंडा, ये पहला, आग उगल रहा है बाड़ा। अगर बॉल के हिसाब से ये पहला हैट्रिक है, अगर वाइट छोड़ दिया जाए तो ये हैट्रिक है, 3 के 3 बोल्ड। बेहतरीन गेंदबाजी बाड़ा। सही कहा आपने सिद्धू भाई, सही कहा। क्या बल्लेबाजी, क्या बॉलिंग है इस खिलाड़ी का, ये खिलाड़ी कुछ विशेष है। बालकृष्ण राव राणे चमक चुके। बाड़ा को देख के आज जैक कैलिस की याद आ रही है, वो भी ऐसे ही ओपनिंग बॉलिंग डालते थे और ओपनिंग उतरते भी थे। अब आ चुके हैं मिस्टर गणेश सुवर्णा। ये टीम दुआदार प्लेयर से भरी हुई है। चलिए जान दे, बहुत ही अच्छा शॉट, रन आउट, अच्छा थ्रो आदि के तरफ से। हमारे सलीम भाई लाचार हो चुके हैं, एक छोर पर खड़े होके बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि कब बॉल आए, कब बॉल आए, कब मुझे स्ट्राइक मिले, लेकिन विकेट के विकेट गिरते चले जा रहे हैं। अब आए हैं स्ट्राइक पे, बड़ी देर कर दी आने में स्ट्राइक पे। 33 से कहां चले गए, कितने बॉल बाकी है दोस्तों? दो गेंदे शेष है, देखें क्या करते हैं। बहुत प्रेशर में थे, टेंशन में थे, चौका की दरकार थी और चौका मारने गए और छक्का लग गया। बाड़ा ने बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत निराश होकर बाहर आ रहे हैं और स्कोर हुआ है 35। देखिए ये कुछ पिक्चर वैसा ही चल रहा है जैसा सिंघम का चला था। बेहतरीन गेंदबाज, पहला बॉलर जिसने 6 बॉलों में पागल हो चुके हैं। बाला को ठंडा पानी दो। बाला सब कहे मुझे शैतान कसाला, बाला क्या बॉलिंग किया है।
हर्षल मैं आप चाहूंगा इस बॉलिंग के ऊपर दो शब्द कहे। अरे हर्षल कहाँ जा रहे हो यार? हर्षल पास तो आइए, जरा मुस्कुराइए। अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ हाँ बाला का ही आज नजारा था। कोई भी बल्लेबाज के अंदर दम नहीं जो उनका सामना कर सके। ऐसी गुगली डाली, ऐसी गुगली डाली कि उस गुगली में सबका घुगली निकल गया। ओहो, और क्या रन आउट किया, क्या फील्डिंग, क्या इनकी बॉलिंग और क्या परफॉर्मेंस हुआ है, बड़ा ही जबरदस्त। क्या कहना चाहेंगे सुरेश भाई? बाला ने सिर्फ सलीम की टीम का नहीं बाकी टीमों का भी हौसला तोड़ दिया। यहाँ पे लगता है बेहतरीन गेंदबाजी का मुआयरा दिखा रहे। यहाँ पे कैरिबियन खिलाड़ी रक्षित को भी ये गेंद समझ नहीं आई, जो तेज गेंदबाजी से वाकिफ है, समझ नहीं आ रहा अभी गेंदबाजी में कमाल करेंगे हमारे कोटियन। अब बाला में और रक्षित में खाली यही फर्क है कि बाला परफॉर्म करते हैं और रक्षित अपने केसों से सबको डराना चाहता है। वो हो नहीं सकता, कोई केस से नहीं डरता, आपके परफॉर्मेंस से डरता है। नहीं गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास है ये रक्षित कोटियन कमाल करेगा। मुझे तो लगता है कि आज रक्षित का दिन नहीं है। आए, हाए गुरुजी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी अब आप भाई अभी खाना बचा है, अभी उसका लंच के बाद वो फॉर्म में आ जाएगा। आज का दिन टिंपू का है। लेकिन रक्षित काफी अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं सलीम के टीम के लिए। हेलो, चेक विद डिंपू मिश्रा, चेक डिंपू मिश्रा, चेक। थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर। वरुण, मिस्टर वरुण कदम को स्पेशल रिक्वेस्ट के दौरान फील्ड पर लाया गया है। हेलो, हमारे वरुण भाई को बहुत तका रहे लोग, कब से खड़ा रखे लेकिन एक कुर्सी की सुविधा दे दो भाई। बॉलिंग डालने पहली ओवर आ रहे हैं समाधान। 36 टू विन, 83 को अगर मैच जीतना है तो 36 टू विन है। बाला स्ट्राइक पर, समाधान बॉलिंग के लिए तैयार। चक दे इंडिया और 83, दोनों का नाम जबरदस्त है, बट परफॉर्मेंस जो करेगा वही आज जीतेगा, वही कहलाएगा सिकंदर। देखते हैं कौन बनता है आज का सिकंदर। बाला तैयार, समाधान तैयार। पहली बॉल, अच्छी फील्डिंग रक्षित द्वारा, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। 36 टू विन। दो रन, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया स्ट्रोक दो रन के लिए। रोशन अच्छा हुआ रक्षित ने हाथ नहीं लगाया, हाथ से अगर टकराती तो ये चौका हो जाता। रोशन तो जायसवाल के हाथ के बीच से निकली बॉल। रोशन जायसवाल बेहतरीन फील्डर हैं। समाधान तैयार, गैप से निकल गया। दो रन बन चुके हैं। फिर से दो रन के लिए बाला ने मारा है, अच्छा टैप। फुल टॉस गेंद डाल रहे हैं समाधान, जो गेंद डाल रहे हैं फुल टॉस डाल रहे हैं, उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं बाला। बाला, ओ बाला, ओ बाला, 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 ये बाला है। इसका परफॉर्मेंस अभी आपने देखा बॉलिंग में, ये दूसरों के लिए बहुत ही बुरी बाला है। बाला तैयार, समाधान इधर उधर देख रहे हैं क्या किया जाए। बॉल छूट रहा है और ये बहुत ही अच्छी बॉल थी। एक रन डिक्लेयर, वन डी, एक रन डिक्लेयर हो चुका है, वन डी हो गया बाड़ा। बैट्समैन में तालमेल की थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। मुल्तान का सुल्तान, और मुल्तान का सुल्तान खड़े रहो, तुम्हारी बहुत जरूरत है अगली गेंद समाधान की। अच्छी बॉल समाधान द्वारा, पांच रन बन चुके हैं। पहला ओवर चल रहा है, नो बॉल, अंपायर का इशारा नो बॉल का है। अंपायर तो नो प्लस वन, दो रन। डिसीजन जरा अच्छे से दीजिए, ये सबको दिख रहा है कि क्या है। नो
है ना भाई, बल्लेबाज वहीं खड़ा है, नो प्लस वन, यस। देखते हैं अभी अंपायर क्या डिसीजन देते हैं, बट बल्लेबाज तो अपनी जगह पे खड़ा ही था। क्या हुआ? नो नहीं है। मैं वही बोल रहा हूं अंपायर को कि देखो जरा अच्छे से कहां पे था। एक रन मिलेगा, नो नहीं है। नो दिया अभी का। कितने गेंद बाकी है? नो बॉल दिया अभी का, नहीं है ना। हाँ, एक बॉल बाकी है अभी। वन टू गो। अंपायर कितना रन? अंपायर दो रन है। ओके, नो प्लस वन, नो नहीं है, दो रन है। अच्छा, नो नहीं है, सॉरी, मतलब दो रन बना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अंतिम गेंद पहले ओवर की। कितना रन हुआ अभी तक? सात रन, एक गेंद बाकी है, सात रन बन चुके हैं। क्या इस गेंद पर चौका आ सकता है? वैसे देखा जाए तो समाधान की ओवर बुरी नहीं है, बाड़ा के सामने सात रन पांच बॉलों में देना। अभी अच्छी बॉलिंग, अभी अंतिम गेंद डिसाइड करेगी, अगर लग गया चौका तो फिर क्या होगा? तब अभी खत्म नहीं हुई, अभी एक गेंद बाकी है। चलिए, हम लोग 3 घंटे लेट चल रहे हैं समय से। 3 घंटे लेट का मतलब समझ रहे हैं, रात को 12 बजने वाला है। समाधान की अंतिम गेंद पहले ओवर की। क्या दिक्कत है? अरे क्या हो गया? शांति, ओम शांति, 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 शांति। अरे क्या हो गया नए बॉल को? ग्राउंड पे कोई भी ना जाए बाहर का फील्डर, नियमों का उल्लंघन न किया जाए। और हमारे दर्शकों से निवेदन है कि बॉल जब बाहर जाता तो कृपा करके आप इतना सहयोग कीजिए कि बॉल को दौड़ के लाकर दे दीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। और कैमरा वॉच कर रहा है कौन कितना सहयोग कर रहा है, उसके लिए भी एक पुरस्कार मिलने वाला है आप लोगों को। अंतिम गेंद समाधान की, और ये 4 रन। हमने कहा था ना, हमने कहा था अंतिम गेंद बाकी है। बाला ओ बाला ओ बाला 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 कुछ भी कर सकता है। 11 रन हो चुका है पहले ओवर के समापन पर। यहाँ पे गौशु को ध्यान रखना है कि बाला कहीं गलती से भी रन आउट ना होए। आप नेगेटिव मत बोलो, ये हमारा अच्छा बच्चा है, आशीर्वाद लिया हुआ है उसने, तो उसके पास अलग शक्ति है, वो अच्छा खेलेगा। गुरुजी ये कहाँ के सुल्तान है? ये मुल्तान के सुल्तान है और कुरार विलेज के इस शिव शक्ति के धूल की फूल हैं। इनको टैप मास्टर गोगो भी कहा जाता है। वो मुरलीधरन की तरह घुमा रहे हैं गेंद। गौशु मलिंगा, बॉलर को इनको बॉलर देख को के लगता है कि मलिंगा और मुरलीधरन का कॉम्बिनेशन है। अच्छी गेंद, एक रन, बहुत ही अच्छी गेंद रखी। इतना बार बॉल घुमा घुमा के बैट्समैन को थका देते हैं ताकि बैट्समैन को समझ में नहीं आता कि करे तो क्या करे। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद। फिर से एक रन के लिए। मुल्तान का ये सुल्तान है, इसका जब बल्ला चलता है तो अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं। अच्छी फील्ड, दौड़ के एक रन ले लिया, चुरा लिया, बहुत बढ़िया। रनिंग बिटवीन द विकेट, बाला आ गए स्ट्राइक पर। बाला हो बाला हो बाला बाला बाला, अब घुमाओ तुम बाल। अरे बोल्ड, बहुत ही बढ़िया विकेट। हमने पहले ही कहा था कि ये मलिंगा और मुरलीधरन का मिश्रण है। रक्षित ने ये गेंदबाज कुछ विशेष है, अपने मलिंगा और मुरलीधरन का मिश्रण है ये, और दोनों का मिश्रण करके जो गेंद डाला वो बाला चकरा गए। कोई बात नहीं, उनकी बल्लेबाजी मजबूत है। देवेंद्र सावंत जी आए हैं,
क्या बोला था मैंने गुरुजी आपको, ये कैरिबियन खिलाड़ी बहुत खतरनाक है। चमक गया रक्षित, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है रक्षित ने, चकाचौंध कर दिया बाड़ा को अपने बॉलिंग से। स्ट्राइक पे देवेंद्र, एक और विकेट, एक और बोल्ड, दो बॉल दो विकेट, स्ट्रेट बॉल पे विकेट रक्षित दो कोटियान, बॉल दो विकेट रक्षित कोटियान, द मैच विनर फॉर सलीम। रक्षित बहुत ही ज्यादा प्यारी बॉलिंग कर रहे हैं। सलीम के टीम की खुशी के साथ साथ वरुण भाई भी बहुत खुश दिख रहे हैं। वरुण बिल्कुल खुश नहीं दिख रहे, वरुण वो टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। दो बॉल पर दो विकेट ले लिया है रक्षित ने। अब प्रणव उतरे हैं मैदान में, अच्छे बल्लेबाज हैं, क्या कुछ कर पाते हैं अपने टीम के लिए। प्रणव हमारे अपने प्लेसमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। क्या ये हैट्रिक बॉल हो सकता था, बहुत ही अच्छा प्लेसिंग किया है। ओवर का समापन, दो ओवर के समापन पर स्कोर हुआ है 14 रन, अभी भी स्कोर अच्छा है। दो ओवर के समापन पर 14 रन हुआ है, 34 रन बनाने भाई, 34 टू विन, एवरेज सही चल रहा है, एवरेज सही चल रहा है, तो अभी भी अच्छा चल रहा है। खाली विकेट मत गवाइए, अगर इन्होंने विकेट नहीं गवाया तो ये जीत सकते हैं। और अब आए हैं सलीम, और अब भाई वर्सेस भाई का मैच, भाई वर्सेस भाई, छोटे मियां वर्सेस बड़े मियां। और ये अच्छी फील्डिंग अंपायर द्वारा, गुड फील्डिंग प्रणव की, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। बहुत अच्छी फील्डिंग का नजारा। तीसरा ओवर चल रहा है, 15 रन हो चुके हैं। स्ट्राइक पर प्रणव, एक रन फिर से दौड़ के चुरा लिया। अब बाउंड्री की दरकार है, मुल्तान का सुल्तान, चौकी की दरकार। बहुत ही अच्छा फील्डिंग समाधान द्वारा, अच्छी फील्डिंग का नजारा। एक रन दौड़ के ले लिया, चुरा लिया, बट अब चौका चाहिए, दो रन चाहिए। फील्डिंग, रनआउट का चांस बना था डायरेक्ट हिट पर। दो बॉल बाकी, दो बॉल और बाकी है। रन कितना हुआ, 17। दो रन, बहुत अच्छा शॉट प्रणव की तरफ से, दो रन प्रणव द्वारा, 19। बहुत अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन, प्रणव की प्लेसमेंट शॉट्स काफी अच्छी होती है। जी हाँ जी हाँ, वो बचपन से ही बहुत अच्छा खेलता है। प्रणव को इतना उभारने में हमारे गुरुजी का बहुत ही बड़ा हाथ है, बहुत ही बड़ा। इसी प्रणव के साथ साथ छोटे छोटे और बच्चे, इनका भविष्य बनाने में भी बड़ा रोल है। जैसे तीन ओवर 19 रन, संकेत भी काफी जाते थे मंगेश स्कूल, 3 ओवर 19 रन। इन गुरुजी के शिष्यों की लिस्ट गिनाई जाए तो बेगिनत है वो। ये सोसाइटी में मेरे ख्याल से जितने लोग हैं सभी लोग गुरुजी के अंडर कभी ना कभी थे। 3 ओवर 19 रन हुआ है, 2 ओवर 17 चाहिए, 12 पे 17 सुल्तान है तो मुमकिन है। सुल्तान और प्रणव की जोड़ी ही ये मैच को नैया पार लगा सकती है। बाहर से बाड़ा बाहर से जाके देखने। डार्लिंग काम डाउन। और अब मेरे साथ हमारे मित्र संकेत घोसालकर जुड़ चुके हैं, दूसरी ओवर डालने रक्षित कोटियान। और ये रन लेने की कोशिश, और ये बहुत ही अच्छी बॉलिंग डाले थे, रन आउट का चांस बना था, एक रन ले लिया है। और
चौका, और चौका आ गया है, फील्डिंग हो गई, चौका गया है। लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए प्रणव तिवारी। बॉल गणेश भाई से दूर हो गई थी थोड़ी, थोड़ा सा रक्षित हुए नाराज, प्रणव हुए खुश। बेहतरीन शॉट प्रणव द्वारा, वापस प्लेसमेंट की तारीफ करनी पड़ेगी। और बहुत ही अच्छा शॉट प्रणव द्वारा, बहुत शानदार बैटिंग देखने मिल रही है। डिंपू जी, सिद्धार्थ जी, ऑटो करेक्ट। और ये एक और बार अच्छी तरह ढकेल लिया है साइड में, रक्षित आए हैं प्रेशर में। और ये पहला नो बॉल रक्षित का आते हुए, लगता है एकदम प्रेशर में आ चुके हैं, जो कि क्यों नहीं आएंगे। हर बॉल मिडल की जा रही है दोनों बैट्समैन के द्वारा। आठ बॉल नौ रन की जरूरत। और ये एक और वाइड, बहुत ज्यादा प्रेशर में दिख रहे रक्षित। रक्षित ने अपनी पहली ओवर में जितने करिश्मे दिखाए थे, इस बार सारे फेल हो रहे हैं दिखाई दे रहा है। और एक और ही अच्छा, एक और ढकेल लिया है। बॉल टू बॉल स्कोर आ गया, शायद सात बॉल टू बॉल स्कोर। बहुत ही अच्छी तरह कवर कर लिए है रन्स। और एक और शानदार, एक और अच्छा शॉट, एक रन के लिए, एक रन के लिए, एक रन आया है। छह पे छह अब आ रहे हैं सुल्तान, इस सुल्तान। और अब बॉलिंग डालने आए हैं हमारे एक्सपीरियंस्ड बॉलर गणेश सुवर्णा। ये SSPL में अलग ही रॉब से खेल रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि गौशु काफी खेल चुके हैं गणेश भाई की बॉलिंग, तो उनको पता भी है कैसी बॉल आने वाली है। और गौशु स्टार्टिंग से बैटिंग कर रहे हैं, उनका बैट लग रहा है। और ये अच्छा बॉल, एक्स्ट्रा डाल दिए, वाइट बॉल, वाइट बॉल। छे पे पांच, एक और टैप, अच्छा शॉट। लूज बॉल की सजा गौशु दो रन के अलावा नहीं देते। एक बॉल में तीन रन दे चुके हैं अभी तक। अच्छा शॉट, घाई की जरूरत नहीं। एक और टैप, और ये मैच समाप्त। नहीं 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 हुआ, समाप्त नहीं हुआ, नहीं हुआ। हो एक रन बाकी है ना, हो गया, हो गया, और हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। बेहतरीन बेहतरीन बॉलिंग, छह बॉल छह विकेट बाड़ा की तरफ से। आखिरी ओवर के अंदर रन ही नहीं आने दिए, दिया जा रहा है बाड़ा को। बहुत ही बढ़िया गेम का प्रदर्शन हुआ है इस SSPL के अंदर। कुछ रिकॉर्ड्स बने हैं, छह बॉल में छह विकेट, एक ओवर में एक सॉरी एक बॉल में एक रन नहीं मार पाए कुछ लोग। अच्छा, दोनों ही सेम टीम है, एक टीम जिसने दो रिकॉर्ड बनाए।